झाग दिल खोल के रखना चाहिए और मेरा भी प्रयास यह है। मित्रों अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद होली मिलन का कार्यक्रम होना है, हाथ से कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होना है। हमारे इसके ऊपर लोक निर्माण विभाग अपना कार्य भी करता है और सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, तो मैं सबको शुभकामनाएं भी दूंगा ही। और सबसे आज यहाँ जो समारोह में बात रखी गई, तो सबको अपनी जिम्मेदारी और जो सरकार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो संकल्प और दिशा और जो उनके विचार हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेही और जनता के लिए जो गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का जो उद्देश्य सरकार का है, सफलतापूर्वक समय के आधार पे पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। रुको, मैं हिला गए सौरभ, तो मतलब रोल पूछो। डिप्लोमा इंजीनियर सर, लोक निर्माण विभाग का आज होली मिलन कार्यक्रम कवि सम्मेलन, तो क्या कहना चाहेंगे? सब एकत्र अभिनंदन प्रदर्शन पीछे कर दिया। ये क्या है भैया, मोबाइल किसका है? तमाम तनाव के बीच हम लोग घोड़ा और ईंट बालू सीमेंट से मांगने वाले लोग हैं, हम लोग मांगे संहिता भी रखते हैं। तमाम सामाजिक कार्य, रक्तदान और नेत्रदान, ऐसे बहुत सारे कार्य हम लोग मनाया जाता है। ऐसे अवसर पे मैं सभी को, देश के सभी नागरिकों को अपने डिप्लोमा इंजीनियर संघ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अभी इस कार्यक्रम में मंत्री भी आए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई बात होती है, आपने अपनी मांगों को रखा है? ये डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रोग्राम था, इस वजह से क्योंकि हमारे पुरानी पेंशन बहाली योजना का कार्यक्रम है, वो हमारा धरना प्रदर्शन 3:30 बजे तक था, वो चला है, वो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अलग था। ये होली मिलन का कार्यक्रम था, होली मिलन कार्यक्रम एक मिलन का कार्यक्रम है, इसलिए उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन वो मंत्री जी को पता है, हम लोगों ने अवगत करा दिया कि मुझे धर्म प्रदर्शन से आए सभी के बीच है, पुरानी पेंशन बहाली सभी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मांग से हमारी है पुरानी पेंशन बहाली का, तो ये कार्यक्रम हमारा आगे चलता भी रहेगा, डिमांड हमारी है और इसके लिए पूरा देशव्यापी हमारा कार्यक्रम है।